जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास करने का काम तेज गति से जारी है। रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए यहां की दीवारों पर पेंटिंग की गई है। जैसलमेर देशी विदेशी पर्यटकों के बीच हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन में किए जा रहे विकास कार्यों से यहाँ के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। जी ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेगा प्रोजेक्ट है स्टेशन रीडेवलपमेंट का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बहुत ही तीव्र गति से अनफोल्ड हो रहा है। इसी क्रम में जोधपुर डिवीजन में जैसलमेर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो वर्क है, फाइनली इट इज सीइंग द रियलिटी। टेंडर इसका फाइनलाइज हो गया है, बहुत ही जल्दी विद इन लेस देन वन मंथ के टाइम में टेंडर फाइनलाइज हो गया है। बीकानेर की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको ये अवार्ड हुआ है, जेबी है, जॉइंट वेंचर है, और ये काम 100 करोड़ के ऊपर की लागत से करवाया जा रहा है। और ये टोटल इसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो 2 साल के करीब है। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की सुविधा की तरह सुविधा मना रही है और यह जो सुविधा देगी और बहुत से पर्यटन को तो लाभ होगा ही, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी सुविधाजनक होगा। यहाँ की जो रेल की व्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। मुझे आशा है कि यहाँ नई ट्रेनें शुरू हो जाएंगी और सीनियर सिटीजन के लिए जो रेल का सफ़र ज़्यादा सुगम होता है, क्योंकि जो बस का सफ़र होता है वो उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन वह हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो रेल से सफ़र करें। और रेल की सुविधाएं अगर होंगी तो यह सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जैसलमेर जो अपना रेलवे स्टेशन है उसको एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए सरकार ने 148 करोड़ का बजट पास किया है, जो बहुत ही पर्यटन व्यवसाय के लिए लाभकारी रहेगा तथा इसे आने वाले दूर दराज के सैलानियों के लिए बहुत ही सुगमता रहेगी।